बात करेंगे JYT 817 की, जिनके लिए आज से हैप्पी लोहड़ी है, और धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये बात सुनी और 19,000 परिवारों के बच्चे जो टेंशन में थे उनको जो है राहत प्रदान की, क्योंकि उनकी जो टाइपिंग के टेस्ट हैं वो रिज्यूम हो गए हैं। 556 वाला मामला सब जुडिस हो गया है, उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी मेरे भाई जुड़ रहे हैं, चाहे वो रोहित राणा है, संजय कुमार चौधरी है, अनुप्रीत कौर है, यगर है, पवन शर्मा है, मिंटू डोगरा जी हैं, साहिल कश्यप हैं, पवन कुमार जी हैं, कमेंट देख रहा हूं। तो अब जो है अब चर्चा कर लेते हैं जी, JYT की शेड्यूल आपके पास पहुंच गया होगा जी, शेड्यूल आपके पास पहुंच गया होगा, आपकी जो परीक्षा है टेंपिंग की वो 1 फरवरी से शुरू हो रही है और 24 फरवरी को निपट जाएंगी, और जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको बुलाया गया है, और जो पुरानी डेट थी उसका नई डेट दे दी गई है। अब जो है इसके लिए तो पहले हमने धन्यवाद किया सरकार का, और आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आप लोगों ने हमारे ध्यान में मामला लाया, हमने भी कोशिश करी, और आप लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, सरकार की कृपा हुई, इसके लिए सरकार का साधुवाद। लेकिन अगला स्टेप ये है कि ये जो टाइपिंग है वो 1867 पोस्टों के लिए होनी चाहिए। 556 में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ पार्टीज गई थी और वहां से स्टे हो गया है, तो 556 का मामला अब लंबा खींचेगा। ऐसी स्थिति में जो 560 सीटों का मामला है, 560 सीटों का, कि उधर भरी जानी है, तो तभी भरी जाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा, तो 1526 उनकी तभी भरी जाएंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में ये तो कहीं नहीं कहा गया था, देखिए आज भी जो आपकी नोटिफिकेशन आई है उसमें भी ये कहा कि जो एडवर्टीजमेंट निकाली थी हमने, ये देखिए कह रहा है CWP नंबर 3894 ऑफ 2021 AW कनेक्टेड, तो ये उसके 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 26/8/2021 जो है ये वाला मामला, तो ये उसमें कहीं नहीं लिखा गया है, उसकी आपकी एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं लिखा गया था कि पुरानी जो पोस्टें हैं वो यहां मर्ज कर दी गई हैं, और इसलिए 1867 पोस्टें ही चाहिए, ये हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, और आग्रह का हमारे पास एक ही माध्यम है, आपके कमेंट्स हम इकट्ठे करके उनको भेजेंगे। आपके जो आग्रह था कि तुरंत प्रभाव से इसको शुरू कराया जाए वो मान लिया सरकार ने, अगला आग्रह हमारा यही है कि 1867 पोस्टें जो है उसको जो है उन्हीं पे जो है उन्हीं को ध्यान में रखकर काउंसलिंग हो, और फिर जिन जो जो लोग सिलेक्ट होते हैं और जो जो रह जाते हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें ना हम कर सकते हैं कुछ, ना सरकार कर सकती है, लेकिन मन में मलाल नहीं रहेगा किसी के, मन में मलाल नहीं रहेगा किसी के कि मुझे मौका नहीं मिला। कोई ये नहीं कह पाएगा कि ओ यार 1867 होती तो मैं अंदर हो जाता, ये कम हो गई तो मैं बाहर है। हम लोग इस चीज के खिलाफ हैं कि ना तो सीटें कम होनी चाहिए, ना 817 की, ना 556 की, और ना ही जो लोग नौकरी में लगे हैं दो दो साल उनको नौकरी करते हुए उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि दो साल का अर्सा बहुत होता है, कईयों की शादियां होगी, कईयों ने अपने परिवार बसा लिए, होम लोन ले लिया, गाड़ी के लिए लोन ले लिया, और अब आप उनको पटक देंगे सड़क पे तो भी मामला खराब है। तो खैर उस मामले में मामला सब जुडिस हो गया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, जो माननीय अदालत कहेगी, शीर्ष अदालत के ध्यान में मामला है, हाई कोर्ट ने भी उस पर फैसला दिया था, उसके बाद अब शीर्ष अदालत के मामला ध्यान में आ गया है, तो अब वहां से स्टे हो गया है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता उस पर नजर रखेंगे, जब कुछ होगा तो आपको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन 817 वालों को बहुत बहुत बधाई जी, हैप्पी लोहड़ी, जम के लोहड़ी मनाइए, जम के खिचड़ी खाइए, जम के घी खाइए, और ठंड महसूस नहीं कीजिए, अब आप जो है अपना तमाम जो अवसाद भरा हुआ था आपके भीतर उसको निकाल दीजिए, और अपनी जो टाइपिंग जो स्किल्स है ना उसको जरा तेज करिए। यहाँ फिलहाल तो इसी को मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी टाइपिंग स्किल जो है अगले 1-2 दिन तक मुझे देखनी है यहाँ कि कितनी जल्दी आप टाइप करके जो है माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, और ये सारी चीजें जो है उनको देंगे। जयराम ठाकुर मैंने आपको बताया कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और जमीन से जुड़े हुए नेता की यही खासियत होती है कि उसने संघर्ष देखा होता है, उसने भूख देखी होती है, उसने गरीबी देखी होती है, और वो सब की चीजों को समझता है। तो JYT के लिए जो बच्चे एस्पायरेंट थे उनके लिए एक बड़ा फैसला आज का दिन, और हैप्पी लोहड़ी उनके लिए, और अब मामला जो है कल से 1867 का आज से ही पकड़ लिया है, कल से हम पुलिस वाले जो भाई है हमारे पे बैंड के लिए उसकी बात मुख्य रूप से पकड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर टीचर्स की बात नहीं करेंगे, उसकी भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम लोग वो जो 47 JEE जो 1/1/23 की भर्ती हुई थी, 82 बार हो गए थे, बिल्कुल अंदर हो गए थे, तो 47 के आसपास बच गए हैं, उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि उनका भी जो केस है वो सॉलिड है, वही मामला है कि आपने नौकरी दे दी उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं। 125 पोस्टें तो IPS में मुझे बताया गया है, 70+ के आसपास जो है वो PWD में है, वहां एडजस्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अभी देखिए ना JYT वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 608 पोस्टें तो नहीं निकाली है सरकार ने, स्वैब कितनी होती 560 है,
अगर वो भी रहती तो जो 608 है उनको मर्ज कर दीजिए इसमें, बात खत्म होगी उनकी, तो उनका तो कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो 1867 पोस्ट इनको मिले जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत से लोग आपके नहीं जुड़ते हैं, मैंने देखा ये मैंने नोटिस। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा पंजाब केसरी न्यूज़ का एक आर्टिकल लाइव थे। तो मैं आप सभी को मेरी तरफ से भी जो भी अभ्यर्थी हैं JYT 817 के और 556 के और बाकी भी अदर, उन सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री का धन्यवाद कीजिए, सरकार का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने 817 का प्रोसेस जो है कंटिन्यू करवा दिया है आगे। और अब आपने अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, टाइपिंग के ऊपर। देखिए आपको ऐसी अपने हरकत नहीं करनी जिससे कोई और मामला गर्मा जाए। अब प्रोसेस को पूरा होने दीजिए, टाइपिंग शेड्यूल होने दीजिए, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा जितनी पोस्ट पे आएगा वो हम तब बाद में देख लेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो देख अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।